हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगी एंड दिस इज शिवांगी शरण व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय माता दी। तो आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हम गए थे प्राइवेट बीच पे फोटोशूट के लिए एंड अभी ये वीडियो है कोलंगूट बीच का। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। सो कोलंगूट बीच पे खूब सारी मस्ती करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस कार में। थैंक यू। अभी आए हम लोग गोलगप्पा खाने। बिहार का गोलगप्पा छोड़ गए गोवा का। सो बढ़िया गोलगप्पे खाने के बाद, बट बिहार वाले गोलगप्पे का कोई कंपैरिजन नहीं है। एनीवेज हम लोग पहुंच गए बागा बीच, और बागा बीच भी कोलंगूट बीच के तरह ही है। हम लोग अंदर नहीं जा पाए। अब क्यों नहीं जा पाए आप आगे वीडियो में बने रहिए, अगर आपको पता लग जाएगा कि हम लोग क्यों नहीं जा पाए। दिस इज़ द सेंटर एरिया, सेंटर मार्केट ऑफ द बागा बीच, एंड इस साइड आपको एंट्री मिल जाएगी बागा बीच के लिए। एंड मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा ट्रिप के लिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप पूरा एक वीक लेके आओ, इंक्लूडिंग अप डाउन। अगर ट्रेन से आ रहे हो तो ज़्यादा टाइम लेके आओ, फ्लाइट से आ रहे हो तो 5 से 6 दिन ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही दिन दिया था, प्लस हमारे पास बेबी था तो काफ़ी स्केड्यूल में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बच्चे को भी देखना है और आप चाहोगे भी कि पूरा घूम लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है 3-4 दिनों में। तो आप पूरा एक वीक लेके आओ तो यू विल एंजॉय। यहाँ पर नोटिस कीजिए गाइस, इस साइड हम लोग रोड पे कार से जा रहे हैं, उस साइड लोग बोटिंग करके जा रहे हैं रिवर में। हालत हो गई है ख़राब। और कोलंगूट बीच से हम लोग गए बागा बीच, और बागा बीच में जय सो गए, काफ़ी थक गए थे बीच पर नहाने के बाद, खेलने के बाद। तो अभी तो जाना था वैक्स म्यूज़ियम, बट अकॉर्डिंग टू जयश्वर अभी जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो सो रहा है तो चिड़चिड़ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं अब होटल रूम, एंड आफ्टर दैट देखते हैं, प्लान करते हैं क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सो आप ये जो सामने में देख रहे हैं रेड शेड वाला, इसको झोपड़ी कहो हमें तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रशियन नाइट क्लब है। आप कोई आपके लिए मैंने ये वीडियो स्लो किया, आप देख रहे होगे बोर्ड पे रशियन नाइट क्लब, अगर नहीं देखा तो आप बैक करके देख सकते हो। तो ऐसा भैया बता रहे थे, यहाँ कुछ कुछ क्लब्स हैं जहाँ के, जैसे जर्मनी वाले लोग यहाँ आते हैं, रशियन लोग यहाँ आते हैं, तो ऐसे ऐसे क्लब्स बने हुए हैं पूरे गोवा में। तो ये रशियन क्लब था, ओनर गोवा ही के थे लेकिन रशिया के लोग आते थे वहाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सब कुछ। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ, हम लोग आ गए। कौन सा पीछे याद भी नहीं है, मैं वॉइस ओवर में डाल दूंगी। बाबू को जल्दी से कार में छोड़ दिया है और जल्दी से दौड़ के जा रहे हैं, बस देख के आ जाना है, क्योंकि दिल चाहता है कि शूटिंग शायद यहीं पे हुई थी, शायद, नॉट श्योर। सो गाइज ये बीच है अंजुना बीच। सुनो बैग खरीद दो ना, नहीं अच्छा लग रहा अगर आप गोवा आना चाहते हैं, गोवा आना चाहते हैं तो 4-5 बच्चे लेकर के आइए, ताकि वो लोग अपने में व्यस्त, हम पति पत्नी अपने में व्यस्त। भाई बहुत मुश्किल है, एक बच्चे वाले नहीं आए, 3-4 बच्चे वाले जरूर। फैमिली के साथ आप आ सकते हो? नहीं रहने, फैमिली के साथ 3-4 बच्चे के साथ। पापा मुझसे आएंगे तो बताओ, एक से एक सीन यहाँ चल रहा है। बढ़िया है, दिस इज नेचुरल। तो हो गया बाली ना? हाँ, इसको देख के बाली याद आ गया। बाबू रहता तो डरता, कैमरा में वैसे कुछ नहीं पता चल रहा, वो खुद इरिटेट हो जाता है। कौन सा फोर्ट बोले थे कि दिखेगा यहाँ से? अब वाला फोर्ट छूट का। ये है फलाना बीच, वॉइस ओवर में बता देंगे कौन सा बीच है। ये फलाना आदमी वहाँ पे
ताकि लड़ाई हो तो आप मेरे तक तक पहुंच नहीं पाए। चलो अच्छा है, काफी अच्छा बीच है। गोवा आना है, बीच आओ होटल जाओ, बीच आओ होटल जाओ, बस चलो। लोग आते तो हैं लेकिन इतना गंदगी फैला के जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है भाई। इतनी अच्छी जगह, इतनी गंदगी। पति देव मेरे इंस्पेक्शन करते हुए, आराम से बैठ सकते हैं। यही लेना है अगोड़ा भी, अगोड़ा भी चाहिए। कौन सा भाई? कौन सा? अड़गोड़ा बीच। हगोड़ा? नहीं, अड़गोड़ा। हगोड़ा। तो गर्मी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो हम लोग पी रहे हैं कोकोनट वाटर। टेक्निक सीखो। वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रॉ। बदमाश। How's it? मजा है। अब इस गाड़ी के मालिक आएंगे तो सरप्राइज, धक्का लग गया। और कार में बैठने के बाद हम लोग बीच रास्ते में लोकल मार्केट गए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि लोकल मार्केटिंग मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, कपड़े की क्वालिटी भी वैसे कुछ खास नहीं थी। तो अभी यहाँ पर रुक गए, एंड क्यों रुके आपको बताएंगे, आगे बने रहिएगा वीडियो में। पहन लो बेटा। प्लान में थोड़ा सा फिर से चेंज, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। जय की निन्नी कम्प्लीट सारा प्लान। जय। ये रहा गोवा का लोकल मार्केट, यहाँ ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। और हमने लंच कर लिया था, जशोर बहुत तंग कर रहे थे तो रेस्टोरेंट का कुछ शूट नहीं कर पाई। अब जा रहे थे वापस जहाँ पर गाड़ी थी। क्या हुआ? हम लोगों को पता नहीं था, इसको पता चल गया कौन सी गाड़ी है। ये गाड़ी है, वाह जा। हम लोग आ गए हैं वागातू। वो दिल जाता है वाला। मम्मी पापा पास है बेटा, पापा ही के पास। पापा पास है। नोजी नोजी। पापा पास है। क्या बेटू? हम लोग कौन से बीच पे आए हैं जय? अरे नाम क्या है? हाँ क्या हुआ? चल चल भगवान जी को प्रणाम करो। अभी वाले वीडियो में हम लोग वहां पर थे ऊपर, अब यहाँ है। बाबू सुना, इसका पैंट ऊपर कर देना। छोटा छोटा पैल से जाल है चोना। अरे बाबा, अरे बाबा, कुछ यहीं पे स्टैंड यार। आओ दो तो मेरा पैर बाबू। हो गया, अब तुम पानी चल जाओ।
फिर आएगा, फिर आएगा। ओ दिया अपन चली जाओ, पानी जाओ बोलो, बोलो पानी जाओ, बोलो पानी जाओ। क्या हुआ ना? हो गया सर। अरे मामा बेटा फिर आया पानी, बोलो दिया पानी जाओ, बोलो पानी जाओ, पानी जल्दी जाओ, बोलो बोलो बेटा जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। थैंक यू फॉर द टी। कैसी बनी चाय? तो आगे क्या कहना चाहते हैं आप? सो कारंगीर बीच, बागा बीच, बागा बीच और क्या कहता हूँ अंजुम बीच, मतलब छह डेस्टिनेशन थे जिसमें से तीन डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करके फाइनली रेस्ट रूम, और कल रेस्ट लेने का दिन है, वरना रेस्ट इन पीस हो जाए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाए। गोवा आए, एक दिन घूमे, अगला दिन रेस्ट करें, घूमे फिर घूमे, चलो फिर घर जल जाए। तो आज का ब्लॉग आप ही एंड कर दो अपने स्टाइल में जी, लेकिन मेरे पति के तौर पे प्लीज लीव द प्रिंसिपल एसेंट प्लीज। हम अभी बोलने वाले थे कि अभिभावक गण से अनुरोध है, तो मत बोलिए। तो हमारे धर्म पत्नी के सारे यूट्यूब, इनके यूट्यूब चैनल्स के फैंस, नो देयर माय व्यूअर्स, इन्हें अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे, फिर हो गया अपना सहयोग दे। अरे वो आ जाता है ना वो चीज़।